कह रहे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। ये कि आपने क्वेश्चन लगाया क्यों, उनको हो सकता है कि या तो वो कहीं न कहीं से कोई मैनेज हो गए हों या फिर सरकार के खिलाफ लगा दिया होगा, तो मोदी जी ने और अमित शाह ने उनको डांट दिया होगा। ये जांच का विषय है कि नौ सांसद उनके क्यों गायब रह रहे हैं क्वेश्चन लगाने के बाद में, यानी जनता के मुद्दों से उनको कोई वास्ता नहीं है, जबकि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है और सत्ता और संगठन समन्वय के साथ में अच्छा। आपने प्रशिक्षण शिविर के लिए कहा है, पुनिया जी बोले कि अजय आनंद और वेणुगोपाल जी दोनों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, वो क्या प्रशिक्षण? वो तो मजदूरी कर रहे हैं भाई, सतीश पूनिया जी को नेता कहाँ मान रहे हैं ये लोग? बाग नेता माने तब तो बात चले। वो क्या कह रहे हैं, किसको प्रशिक्षण की जरूरत है? प्रशिक्षण की आपको जरूरत है जो केडर बेस्ड पार्टी अपने आप को कहती है, जो अनुशासित पार्टी अपने आप को कहती है, जो आरएसएस के साथ मिलकर के काम कहती है, उनमें अनुशासनहीनता की प्राकाष्ठा है कि मंच के ऊपर अमित शाह के सामने आप अपनी ही सरकार की रही की बुराई करो, अपने ही मंत्रियों को भ्रष्टाचारी बताओ, अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करो, ये किसी भी संगठन का अच्छा काम नहीं हो सकता है। ये उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो कर क्या रहे। जयपुर जिला परिषद जो थी उसमें सेंधमारी हुई, लगता है कि 12 में कांग्रेस ने उसका बदला लिया। जनता जनार्दन है भाई, देखो पार्टी को जो जीतता है उसको पार्टी को वोट देना चाहिए, लेकिन अब गुप्त मतदान है, कौन कहां किस तरीके से दे देता है। हम भी हमारे में जांच कर रहे हैं, वो भी अपनी ही जांच करें, कौन मना कर रहा है? जांच करने में कोई बुराई नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो जिस पार्टी के सिंबल से जीता है उसको उस अपनी पार्टी को वोट देना चाहिए। मतलब ये प्रदेश भाजपा आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए समर्पण निधि अभियान चला रही है, इसमें कार्यकर्ताओं से पदाधिकारियों से क्या चला रही है समर्पण निधि अभियान, उसमें निधि समर्पण अभियान में आजीवन निधि ली जाती है, सहयोग देते हैं वो, सहयोग राशि का अभियान चला है। कौन देते? बीजेपी कर रही है। बीजेपी का तो काम ही पैसा इकट्ठा करना है। सीएसआर के माध्यम से लोगों से, बड़े बड़े पूंजीपतियों से उन्होंने पीएम केयर फंड इकट्ठा कर लिया, यहाँ पता नहीं राम मंदिर के नाम से कितने पैसे इकट्ठे कर लिए, दिए कि नहीं दिए, और वहाँ ले जा करके खुद ही जो है जमीनें खरीद ली बीजेपी के लोगों ने राम मंदिर के चारों तरफ की। तो ये तो पैसा इकट्ठा करना, भ्रष्टाचार करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, धर्म के आड़ में राजनीति करना, यही तो बीजेपी का मूल उद्देश्य है। जनता के मुद्दों से, जनता की समस्याओं से, प्रदेश और देश के विकास से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को कोई वास्ता नहीं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर बीजेपी पर हमलावर वो नजर आए और कई बड़ी बातें उन्होंने कही।